हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलो रूप्स। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ लोरेल पेरिस का हाइलुरोनिक एसिड का आता है, जो 1.5% हाइलुरोन सीरम होता है ना। तो मैंने इसका स्मॉल साइज परचेज किया है। इसमें दो साइजेस आते हैं, एक तो 15 ml का आता है और एक 30 ml का आता है। मैंने अभी इसको एक वीक हुआ है मुझे इसको यूज करते हुए, तो मैंने सोचा कि मुझे काफ़ी इसका अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूं। मतलब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं ना कि ये किस टाइप की स्किन वालों को यूज़ करना चाहिए, किस तरीके का ये काम करता है, तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये इस तरीके की ट्रांसपेरेंट बॉटल में आता है, जिसमें आपको साथ में एक ड्रॉपर भी मिलता है, जिससे आप सीरम को इजीली अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके का आपको सीरम मिलता है और ट्रैवल फ्रेंडली भी काफ़ी है। अगर आप इसका छोटा साइज परचेज करते हैं तो आपको ट्रैवल में ले जाने के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से अपने बैग में इसको कैरी कर सकते हैं। मैंने इसका छोटा साइज इसलिए परचेज किया क्योंकि मैं पहले देखना चाहती थी कि मेरी स्किन को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरी नॉर्मल स्किन है और ये जो सीरम है ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। आपकी किसी भी तरीके की स्किन हो, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली, किसी भी तरीके की स्किन हो, ये सब में सूट करता है। तो मैंने इसका छोटा साइज परचेज किया था, तो मैंने देखने के लिए परचेज किया था कि मेरी स्किन को सूट करता है या नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने, जब भी आप भी बाय करें इसको, तो आप इसका छोटा साइज ही बाय करें, उसके बाद अगर आपको सूट करता है तो आप इसका बड़ा वाला साइज बाय कर सकते हैं। और ये बॉटल आप देख सकते हैं काफी हैवी बॉटल है और इसके साथ में एक ड्रॉपर आता है, जिससे आप आसानी से सीरम को अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको मॉर्निंग में और नाइट में, दोनों टाइम में कभी भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको नाइट में अप्लाई करती हूँ क्योंकि नाइट में जो होता है वो हमारी स्किन बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाती है, बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन पर यह वर्क करता है। और ये हमारी स्किन को, हाइलुरोनिक एसिड का काम क्या होता है कि हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो हमारी स्किन को प्लम्पी बनाता है, बहुत ही स्किन में ग्लो लाता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है उन लोगों को तो ये ज़रूर यूज करना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्किन पर वर्क करता है ये। हमारी स्किन में जो भी फाइन लाइंस हो जाती हैं उनको रिमूव करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन में कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो उनको दूर करने के लिए आप हाइलुरोनिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, इसमें कोई भी तरीके की कोई फ्रेगनेंस नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस का यूज़ नहीं किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टेक्स्चर की। तो इसका टेक्स्चर इस तरीके का है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही लाइट वेटेड इसका टेक्सचर है, बहुत ही लाइट, बिल्कुल बिल्कुल आपको वाटर की तरीके से लगेगा। और इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। जैसे कई सारे सीरम ऐसे होते हैं उनको लगाने के बाद आपकी स्किन ऐसा लगने लगता है जैसे बहुत चिपचिपी सी हो गई है, या आपको अपनी स्किन में ऑयल सा महसूस होने लगता है, ये उस तरीके का नहीं है। और स्किन इसको लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है, बहुत ही क्विकली ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो आप किसी भी तरीके की स्किन आपकी हो तो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और जब भी आप इसको यूज़ करें तो आप इसको इस तरीके से बहुत हार्शली रब ना करें, आप इसको इस तरीके से डैप 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 करके अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। आपकी फेस पर किसी भी तरीके की कोई गंदगी या मतलब डर्ट कुछ भी आपके फेस पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश करना है, उसके बाद आपको अपना टोनर अप्लाई करना है। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना ये हाइलुरोनिक एसिड का सीरम 2-3 drops अपने पूरे फेस पर ड्रॉपर की हेल्प से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ड्रॉपर की हेल्प से अप्लाई करिए या फिर आप अपनी फिंगर टिप्स में 2-3 drops लेकर आप डैप डैप करके अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अपने ये हाइलुरोनिक एसिड वाला जो सीरम है कभी भी ड्राई फेस पर अप्लाई नहीं करना है। पहले आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है, टोनर लगाने के बाद आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ करिए, उसके बाद आपका जो भी फेवरेट मॉइस्चराइजर है उसको आप अप्लाई कर लीजिए। ये तरीका है हाइलुरोनिक एसिड को लगाने के बाद। और इसको लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाती है और प्लम्पी हो जाती है, आपको नेचुरल गोल ग्लो दिखने लगता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्लोई आपकी स्किन हो गई है।
तो यह काफ़ी अच्छा सीरम है, मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँ। मैंने इसको अमेजोन से अभी सेल चल रही थी तो मैंने उस टाइम पे इसको परचेज किया था। आप इसको सेल के दौरान परचेज करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट है। नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैं अपना खुद का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ इसको शेयर जरूर करिए जिससे उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। बाय बाय।